मानसून सीजन की, जिसमें दरक रहे पहाड़ राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगे हैं। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास एक कार के ऊपर बोल्डर गिर गया, जिस वजह से कार सवार तीन लोगों में से एक घायल है। घायल को एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कार श्रीनगर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान तोता घाटी और सौड़ पानी के बीच कार के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जबरदस्त यहां पर क्षति पहुंची होगी। तो घायल को फिलहाल ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया है। कार के ऊपर यह बोल्डर गिरा, काफी ऊंचाई से बोल्डर गिरा, जिससे कार की हालत इन तस्वीर में देखी जा सकती है। तो चलती कार के ऊपर यह बोल्डर गिरने से हादसा हुआ। उधर मसूरी में टिहरी रोड पर भूस्खलन हुआ है। वुड स्टॉक स्कूल के पास स्कूल की बिल्डिंग का पुश्ता ढह गया, जिससे मार्ग बंद हो गया है। पुश्ता गिर जाने से अब स्कूल की इमारत को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं भूस्खलन से दो बड़े पेड़ भी गिर गए। मसूरी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है, मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल पर। और आप मेरे देख सकते हैं वीडियोस में कि किस तरीके से यहाँ पर ये बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है। जेसीबी के माध्यम से यहाँ से मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं भूस्खलन की जद पर स्कूल की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई है, जिससे खतरा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस बिल्डिंग को बचाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पहले सड़क को साफ किया जा रहा है जो मलबा वहाँ पर आया है, और साथ के साथ जो भूस्खलन हुआ है उसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और अगर बारिश होती है तो दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। मैं सुनील सोमकर, एबीपी गंगा, मसूरी। उधर नैनीताल में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। मल्ली बाजार में एक विशालकाय पेड़ एक मकान के ऊपर टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल गए। पेड़ गिरने से घर में लाखों का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नुकसान हुआ। बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। एक पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि समय रहते घर से बाहर निकल गए लोग। वहीं पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रुद्रपुर में कल्याणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आलम यह है कि लग रहा है मानो तालाब हो। सड़कों पर जल भराव ऐसा है कि सड़कें तालाब बन गई हैं, तो वहीं घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फुट तक पानी इलाके में भरा हुआ है और कई घरों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। कई घरों के अंदर पानी भर गया। वहीं रुद्रपुर में बारिश आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलपनिया बैगुल नदी का पानी ग्रामीण इलाकों में घुस आया है, जिस वजह से कई घर पानी में डूब चुके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन घरों में मौजूद लोगों को किसी तरह से रेस्क्यू किया। इसके बाद इन्हें दूसरी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। गाँव में 3 से 4 फीट तक पानी है, जिस वजह से जनजीवन प्रभावित है। वहीं उत्तरकाशी में आई आपदा से काफी नुकसान हुआ है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून सीजन उत्तरकाशी के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। लोगों पर एक बार फिर से कुदरती आपदा का कहर टूटा। आसमान से बरसी आफत के बाद का नजारा देखिए। घरों के बाहर कैसे मलबा बिखरा हुआ है, घर के आंगन में कीचड़ जमा हो गई। आपदा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, मगर लोग मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की रकम बढ़नी चाहिए। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, इनके लिए जो है अलग से मानक बनाया जाए, ताकि जो है जिनका जो है भवन है उनको जो है एक आर्थिक रूप में सहायता मिल जाए। साथ ही जो एक मकान में जो है हमारे जनपद में जो है 5 भाई 6 भाई रहते हैं, और जिस मकान की कीमत जो है 50 लाख 1 करोड़ की होती है, उसमें जो है एक ही परिवार को माना जाता है। लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इसमें भी जो है परिवार को जो है उसको अलग परिवार माना जाए। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया, साथ ही सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों को भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार उनके साथ है। गधेरा है, गधेरे के चारों तरफ जो है काफ़ी नुकसान हो गया है,
और काफ़ी भूमिका रिसा धस गई है, तो हमने कहा है कि तत्काल जो है उसकी सुरक्षात्मक जो है वो दोनों तरफ से जो है गतिरे का किया जाएगा, सुरक्षा के काम किए जाएंगे। साथ ही साथ जिन परिवारों में जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, जो घटना हुई है, मृत्यु हुई है, वहाँ हम गए, उन परिवारों को हर संभव जो भी सहायता सरकार की तरफ से होगी वो करेंगे। सबसे ज्यादा तबाही मांडू गांव में हुई है। बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम ने आपदा प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक मार्ग तैयार कर एक परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। साथ ही आपदा ग्रस्त इलाकों में बादल फटने से तबाह हुए रास्तों को आवाजाही लायक बनाया गया है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह बिस्ट की रिपोर्ट। इसी बीच कोरोना महामारी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। 200 करोड़ का राहत पैकेज लाएगी सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता दें, 200 करोड़ के पैकेज लाएगी सरकार, कोरोना महामारी में बहुत बड़ी खबर। तो राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने की कोशिश होगी, तो 4 धाम यात्रा से जुड़े लोगों को भी दी जाएगी राहत। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे, ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बड़ी खबर आ रही है, राहत पैकेज ला सकती है सरकार, क्या अपडेट है आपके पास? नवी देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि जिस तरह से कोरोना की चपेट में पिछले 2 सालों से जो पेंडेमिक का जो दौर था उसमें व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया था, पर्यटन से लेकर के जितना भी होटेलियर्स हैं या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां खरीद ली थी और उनकी किस्त नहीं दे पा रहे थे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी गतिविधियां जो पर्यटन से या तीर्थाटन से जुड़ी हुई हैं, उन सब व्यापारियों के लिए जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं उनके लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज लाने के लिए एक ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है, ताकि 1,63,000 लाभार्थी हैं जिनको लाभान्वित किया जाना है। तो मुख्यमंत्री की एक नई पहल है, लेकिन हालांकि एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि 200 करोड़ रुपए किस स्थिति में और कहां से इसका बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के ट्वीट से जितने भी तीर्थाटन और या धर्मस्व या पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनको राहत जरूर मिली है। जी जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ जो अपडेट दे रहे थे। सीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 200 करोड़ का राहत पैकेज लाने जा रही है सरकार, पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने की होगी कोशिश। वहीं रुद्रप्रयाग में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा, प्रभावित है आम जनजीवन। केदारनाथ धाम में 4 दिन से बारिश जारी है। बारिश के कारण पुनर्निर्माण काम रुके हुए हैं। हालांकि धाम में बिजली आपूर्ति सुचारू होने से पत्थर कटिंग का काम चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण सीमेंट का काम नहीं हो पा रहा। साथ ही बारिश की वजह से केदार और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस वजह से आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही बाधित हो गई, रास्ता बंद है। ऐसे में पर्यटक और ग्रामीण पैदल ही आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालांकि क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से निर्माण काम में परेशानी हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अभी पुल को पूरी तरह से ठीक होने में करीब 4 से 5 दिन का वक्त और लग सकता है, यानी अभी कुछ और दिन आम जनता को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ेगी। लाइफलाइन कहे जाने वाले रानीबाग पुल 2 दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन बारिश के वजह से कार को फिर से रोक लिया गया है। ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है। दिक्कतें किस तरह की हो रही है आप लोग? दिक्कतें हो रही है, यहाँ से ऑटो में जाना पड़ा है, हम हल्द्वानी गाड़ी खड़ी करी है सामने। आवागमन क्या कर रहे हैं? आवागमन पैदल है, बोझ ले रहे हैं। वहीं रहता हूँ सर, इतनी अड़चन में हूँ। पिछली बार मेरा लड़का खत्म हो गया था, कल को बारिश रात है, सारा माल टेम्पो में ढोके ला रहा हूँ, 500 रुपये टेम्पो वाले लिए हैं। आवाजाही में पूरी पूर्ण तरह से बंद है, तो बारिश भी है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सामान लाना है लोगों ने, ले जाना है, पहाड़ों से माल आता है, सब्जी आती है, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है लोगों को यहाँ तक है। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक बारिश थोड़ा थम जाती है उसके बाद फिर से इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। अंकित शाह, ABP गंगा, हल्द्वानी। वहीं उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं 22 जुलाई को देहरादून, नैनीताल समेत दूसरे कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है।
वहीं देवस्थान बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर चार धाम के तीर्थ पुरोहित धरना दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की। पुरोहितों ने सीएम से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि पुरोहितों को आश्वासन दिया है कि वो इसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर पुनर्विचार करेंगे। तो पुरोहितों की मांग पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा, ये आश्वासन दिया सीएम ने। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, तीर्थ पुरोहितों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहा पुरोहितों का धरना, तो पुरोहितों की मांग पर हाई लेवल कमेटी के गठन का आश्वासन दिया है सीएम ने। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं पुरोहित। तो तीर्थ पुरोहितों से मिले सीएम। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहा पुरोहितों का धरना, पुरोहितों की मांग पर हाई लेवल कमेटी के गठन का आश्वासन दिया सीएम ने। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक बात रखी, और सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो, उन्होंने इसलिए ये बात कही कि तुरंत मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा, और मुझे लगता है कि उनकी जो बातों में वो सत्यता नज़र आती है, और वो धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो देवस्थान जो कानून काला कानून बनाया गया त्रिवेंद्र रावत के द्वारा, इसका नाश होगा, इस समूल इसका ख़त्म होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री को। हरिद्वार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई, और इस दौरान 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। भाजपा ने प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक की जा रही है। कार्य समिति हमारे चुनाव का एक पार्ट है। आने वाले सप्ताह में हम मंडलों की कार्य समितियों में भी सारे हमारे मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री और एक प्रदेश के पदाधिकारी वो भी जाएंगे। इस बीच में हमारे अन्य कार्यक्रम हैं बूथ और शक्ति केंद्र स्तर के, वो भी हम लोग अगले महीने शुरू करेंगे। अगस्त पहली से सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक भेज दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से चुनाव का रोड मैप जो हमने बनाया था उसकी प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं, साथ ही उत्तराखंड में पीएम मोदी का भी दौरा होगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि इसके लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा। मामले में नहीं फंसने वाला है वो, दिल्ली पड़ोस में पड़ती है। उन्होंने देखा आज जिस प्रकार से उन्होंने पेरिस बनाने की बात की थी, आज किस प्रकार से सड़कों पे गड्ढे हैं, पानी के मामले में आज त्राही त्राही हो रही है, फ्री पानी देने की बात की थी, आज पानी पीने का दिल्ली के अंदर नहीं है, बिजली की बात की थी, बिजली के बिल भी पूरे के पूरे आ। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। सिसोदिया कल रुड़की में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी मनीष सिसोदिया का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार कल दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की के जीवनदीप आश्रम में जो सतचंडी यज्ञ चल रहा है उसमें सहभागिता के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, और उन्होंने एक यह भी कहा कि मन में एक प्रश्न है जो कल जनता के साथ साझा किया जाएगा। वो प्रश्न क्या है, हम सबको उसकी उत्सुकता है जानने की। तो कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और आने वाले चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर से राजभवन का कूच करने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता देहरादून में राजभवन का कूच करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी समेत कई बड़े लोगों के फोन टैप किए गए हैं। तो जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर से घेराव की तैयारी में। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, और इसी परिप्रेक्ष में उत्तराखंड में हम सारे लोग यहां से राजभवन कूच करेंगे, और हम ये मांग करेंगे कि ये जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। काशीपुर से जहां महिला को ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि एक शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, फिर उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। महिला घर से किसी काम से बाहर गई थी, और इसी को लेकर पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
तो काशीपुर के बांसफोड़न क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया, जिसमें 9 तारीख को महिला की शादी हुई थी और 5-6 दिन में ही उसे 3 तलाक दिया गया। इस तहरीर पे काशीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने से पहले महिला हेल्पलाइन में एक बार काउंसलिंग भी हुई, जिससे कुछ तथ्य सामने आए और प्रकरण में FIR दर्ज है और आगे की जाँच होती रही। देहरादून में करीब 250 करोड़ की लागत से बना राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों बदहाल स्थिति में है। रखरखाव ना होने की वजह से स्टेडियम में जगह जगह घास उग आई है और मशीनें भी जंग खा रही। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये तस्वीर 2019 की है, जब देहरादून के क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम T20 मुकाबले में आमने सामने थी। उत्तराखंड के लोगों के लिए अपने राज्य में बने किसी स्टेडियम में मैच देखना किसी सपने के सच होने जैसा था, मगर अब की तस्वीर काफी बदल चुकी है। यह शानदार स्टेडियम अब जंगल नजर आने लगा है। मैदान में बड़ी बड़ी घास उग गई है, कई जगह पर तो जंगली मशरूम तक उग रहा है। स्टेडियम को मेंटेन रखने के लिए लाई गई मशीनें जंग खा रहे हैं। उत्तराखंड खेल विभाग अपनी संपत्ति की कैसे देखभाल करता है, इसकी वानगी है रायपुर में बना राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप इसकी स्थिति देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस स्टेडियम को करोड़ों रुपए की लागत से बनाकर इस लिहाज से बनाया गया था कि यहां की जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर सामने आएं और लोगों को ये मौका मिल सके कि उत्तराखंड में एक क्रिकेट स्टेडियम बना है और यहां इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट देखे जा सके। लेकिन यहां अभी आप परिस्थितियाँ देख रहे हैं किस तरह से क्रिकेट स्टेडियम की बदहाल स्थिति हो गई है। जहाँ तहाँ सामान बिखरा पड़ा है, जो मेंटेनेंस का सामान है वो पूरी तरह से जंग खा चुका है। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये वही स्टेडियम है जिसमें करीब 2.5 साल पहले इंटरनेशनल मैच हुआ था। जरा याद करिए उस लम्हे को जब इस ग्राउंड पर अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम मैच खेल रही थी, और अब की तस्वीर देखिए मैदान की इस बदहाल स्थिति में। ये स्टेडियम बदहाल स्थिति में है, रख रखाव ना होने से कुर्सियां टूट गई हैं, मैदान में बड़ी बड़ी घास उग गई है। स्टेडियम की दुर्दशा पर सवाल किया तो मानो अधिकारियों की सांस हलक में अटक गई है। कोरोना का जो इन्होंने वो बनाया है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, वो सारा उन्हीं के पोजीशन में है, और बाहर वाले किसी भी इसमें इंटरफेयर नहीं है, तो वो उन्हीं का वो है। अब वो किस तरह से उसको करते हैं, क्योंकि और जो अदर उसमें स्टाफ था वो सबके लिए बैन है जाने के लिए। अच्छा। तो इस चक्कर में शायद हो सकता है वो नहीं कर रहे हुए, क्योंकि उनके हैंडओवर है, उन्हीं ने करवाना है। जिम्मेदार अधिकारी कोरोना का बहाना बनाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोरोना था भी तो क्या, स्टेडियम के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था। जिस स्टेडियम से हजारों खेल प्रेमियों की भावनाएं जुड़ी, जिस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसे इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? और एक गंभीर बात यह है कि इस स्टेडियम में 3 बड़े इंटरनेशनल मैच भी हो चुके हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम यहाँ इंटरनेशनल लेवल का मैच खेल चुकी है, रणजी मैच यहाँ हो चुके हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति आप देख रहे हैं स्टेडियम की, उससे ये कहा जा सकता है कि खेल विभाग को फिलहाल करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम की कुछ चिंता नहीं है और इसीलिए ये बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। पिथौरागढ़ में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण अनशन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक कई बार सड़क की मांग पूरी होने का आश्वासन मिल चुका है, मगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रशासन उन पर अनशन खत्म करने का दबाव बना रहा है। आपको बता दें, गंगोलीहाट तहसील के पवाधार गाँव के ग्रामीण कई दिन से क्रमिक अनशन पर हैं।